के ऊपर राहुल गांधी ने तक कह दिया कि माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो सावरकर नहीं वो गांधी हैं। क्या देखिए, राहुल जी ने वही कहा है जो आज सारा हिंदुस्तान कह रहा है। आज महिला की सुरक्षा, उसका सम्मान खतरे में है, जिंदगी खतरे में है। आप हैदराबाद से लेकर उन्नाव तक आप कहीं देख लीजिए, जो भाजपा के लोग कह रहे हैं, स्मृति ईरानी कह रही हैं, उनको साहस है तो पहले मोदी जी से कहें। उन्होंने दिल्ली को कुछ घटनाओं के बाद कहा था रेप कैपिटल हो गई है दिल्ली, तो पहले मोदी जी से कहें ना, माफ़ी मांगे। राहुल जी ने वही कहा जो समाचार पत्रों में आ रहा है, जो मीडिया में आ रहा है, जो जानकारियां छन छन करके आ रही हैं देश भर से, बजाय उसको एक सामाजिक चुनौती लेने के और उसके लिए आवश्यक वातावरण सुधारने के लिए कदम उठाने के, ये लोगों का ध्यान हटाने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। और राहुल जी ने बहुत सही कहा कि यही तो अंतर है गांधी परिवार में और दूसरे लोगों के अंदर। ये लोग तो जो है गांधी की हत्या करने वाली फिलॉसफी के साथ खड़े हैं और हम देश की अखंडता एकता के साथ खड़े हैं, देश के सम्मान के साथ खड़े हैं। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ और सब हूँ, ये सब लेके पिटीशन लगाई है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कांग्रेस के दो और सांसदों ने पिटीशन लगाई है, कई और पार्टियों के सांसदों ने पिटीशन भी लगाई है, क्या कहेंगे? मोरल ग्राउंड है। देखिए, ये जो कानून बनाया गया है ये बहुत राजनीतिक स्वार्थ के लिए बनाया गया है, संविधान के विरुद्ध है, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, सर्वधर्म संभाव के सनातन धर्म की सोच के खिलाफ है। और ये प्रियम्बल पर हमला है, ये आर्टिकल 14 को नलीफाई करता है और जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो सबको जाति धर्म क्षेत्र वंश आदि के आधार के बजाय जो है जो कहता है धर्म के कानून के सामने सब समान हैं, ये एक असमानता आधारित धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाले कानून को इन्होंने बनाया है। और ये कानून जो बनाया है वो नॉर्थ ईस्ट के कल्चरल आइडेंटिटी को संरक्षण देने के लिए पार्लियामेंट ने जो 371, 71, 1, 2 इत्यादि इनेक्ट किए थे, उन सबको नलीफाई करने का काम करता है।